उमेश पाल हत्या मामले उत्तर प्रदेश पुलिस नो खुलासो। अतीक अहमदे जेल में हत्या नो षड्यंत्र रचा खुलासो। उमेश पाल हत्या केस मामले यूपी पुलिस गुजरात पुलिस नो संपर्क कर्यो। एसओजी क्राइमे जेल में तपास शुरू करी छे। अतीक अहमद अत्यारे साबरमती जेल में बंद छे। जेल में व्हाट्सएप मैसेज कर अतीक अहमदे हत्या नो कावतरू रच्यु हतु। राजूपाल नी हत्या केसना साक्षी उमेश पाल नी हत्या नो षड्यंत्र रच्यु हतु। यूपी पुलिस अतीक अहमद ना ट्रांसफर वॉरंट ने लईने तपास शुरू करी छे। तो अहमद नी पत्नीए एन्काउंटर नो भय व्यक्त करीने सुप्रीम कोर्ट में अरजी करी। वधु माहिती मेळवीए संवाददाता अनिता पटणी पासेथी। अनिता, उमेश पाल हत्या मामले उत्तर प्रदेश पोलीसे महत्वनो खुलासो कर्यो छे। अतीक अहमदे जेलमां हत्यानुं षड्यंत्र रच्यानो खुलासो कर्यो छे। हाल आ मामले शुं कार्यवाही चाली रही छे? जी वत्सल, जे प्रकारे उमेश पाल हत्या केसना तार जे छे ते अमदावाद साबरमती जेल खाते अत्यारे पहोंच्या छे। कारण के अतीक अहमद हाल तो साबरमती सेंट्रल जेल मां अत्यारे हाल सजा भोगवी रह्यो छे। उमेश पाल नी जे हत्या करी हती ए मामले उत्तर प्रदेश पोलीसे जारे तपास शुरू करी हती त्यारे साबरमती जेल मांथी अतीक अहमद द्वारा व्हाट्सएप कॉलिंग अने मेसेज द्वारा हत्यानुं षड्यंत्र रचवामां आव्युं हतुं अने त्यारबाद हत्याने अंजाम आपवामां आव्युं हतुं। आ समग्र तार ज्यारे अमदावाद साबरमती जेल खाते पहोंच्या छे त्यारे एसओजी द्वारा पण मामले तपास करवामां आवी रही छे के खरेखर अतीक अहमद द्वारा ज व्हाट्सएप पर आज षड्यंत्र रचवामां आव्युं हतुं के नहीं अने क्या मोबाइल नो उपयोग करवामां आव्यो हतो ते मुद्दे एसओजी पण तपास करी रही छे। खास करीने अतीक अहमदनी वात करीए तो 17 वर्षथी ज ते पोते जे गुनाखोरी में आव्यो हतो 1992 थी तेणे गुनाखोरीनुं शरू कर्युं हतुं। 44 थी वधु तेनी विरुद्ध जे गुना दाखल थई चुक्या छे अने जे प्रकारे हत्यानुं षड्यंत्र जे राजपाल जे हत्या केसनी अंदर जे मुख्य साक्षी तरीके जे उमेश पाल छे तेनी हत्या जाहेर में करी देवामां आवी छे तेना पुत्र द्वारा जे समग्र षड्यंत्र रचवामां आव्युं छे। व्हाट्सएप कॉलिंग ने मेसेज द्वारा आ षड्यंत्र रचाया होवानी वात हती। आ समग्र घटनानी अंदर हाल तो आजे अतीक अहमद अने तेनी पत्नी द्वारा एक दहशत व्यक्त करवामां आवी रही छे। कारण के यूपी पोलीस तेनो कब्जो मेळववा माटे तेने रिमांड मेळववा माटे हाल तो गुजरात आववा माटे रवाना थई छे अने गुजरात में साबरमती जेल में तेना ट्रांसफर वॉरंट थी रिमांड मेळवीने जई शके छे तपास माटे। परंतु तेओए दहशत व्यक्त करी छे के एन्काउंटर माटे तेने रिमांड માંગવામાં આવશે જેથી ગુજરાતમાં જ પોતે અતીક અહેમદ જેલમાં રહે અને તેને યુપી પોલીસને આ રિમાન્ડ ના મળે તેવી સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરી છે। આ વિવાદો વચ્ચે હાલ તો એસઓજી ક્રાઇમ દ્વારા પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે કે ખરેખર સાબરમતી જેલમાં જ હત્યાનું ષડયંત્ર રચ્યું હતું અને વોટ્સએપથી જે વાતચીત કરવામાં આવી હતી તો કોની મદદ લેવામાં આવી હતી અને અતીક અહેમદનો આ મામલે શું ભૂમિકા છે તે મુદ્દે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। બિલકુલ જી અનિતા, માહિતી સાથે જોડાવા બદલ આભાર।